हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं तो भाई बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल डिफरेंट वीडियो। जी फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करवाऊंगी पाकिस्तान कराची के बड़े हॉस्पिटल में से एक हॉस्पिटल है, आगा खान हॉस्पिटल। जी फ्रेंड्स, ये आगा खान हॉस्पिटल मेन कराची के अंदर है और काफ़ी बड़ा है। और इसके अंदर आप लोगों को हर तरह की सहूलत मिलेगी। हर तरह के डॉक्टर का क्लिनिक होता है, ऑपरेशन और दूसरी तरह के जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, तो कराची के ज़्यादातर आवाम यहाँ पर जाना पसंद करती है। जी फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है और बहुत ही नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा है। और ये देखें, हम लोग मेन गेट नंबर 1 से यहाँ एंटर हो रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर थोड़ी सी चेकिंग हो रही है। और ये देखें, डॉक्टर्स वगैरह जहाँ पे बैठते हैं। ये मेन जो डोर नज़र आ रहा है आप लोगों को, मेन जो दरवाज़ा है हॉस्पिटल का, ये है। और कुछ थोड़ा सा रश आप लोगों को लग रहा होगा क्योंकि विजिटिंग आवर्स हैं और लोग आ रहे हैं अपने पेशेंट से, फैमिली से मिलने के लिए। तो हम थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ आप लोगों को एमरजेंसी नज़र आएगी। और ये एमरजेंसी का एरिया है, जो भी एमरजेंसी होती है वहाँ यहाँ पर आती है। और ये देखें कि बिल्कुल साफ़ सुथरा हो रहा है और कोई रश नहीं हो रहा यहाँ पर। और अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ गाड़ी पार्क करने के लिए, ताकि हम गाड़ी पार्क कर दें और हम जिससे मिलने के लिए आए हैं और जिनसे मिलने के लिए मैं आई थी, मैंने कहा उनसे मिल लूँ मैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पार्किंग एरिया में। और ये देखिए कितनी ग्रीनरी है और इतना साफ सुथरा हो रहा है। और फ्रेंड्स, हमने पार्क कर दी गाड़ी और अब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, मगर हॉस्पिटल की बिल्डिंग बहुत दूर थी पार्किंग से, तो इसलिए हम लोगों ने ये शटल लिया है। और ये शटल सर्विस यहाँ पे फ्री होती है पार्किंग से। आप लोगों को जिस भी डिपार्टमेंट में जाना है हॉस्पिटल के, या जिस भी बिल्डिंग के अंदर जाना है, वहाँ पे जाने के लिए फ्री अवेलेबल होती है। तो फ्रेंड्स, हमें भी जहाँ आना था हम आ गए हैं। और अब हम यहाँ से देखें जा रहे हैं हॉस्पिटल में, रूम में उनसे मिलने के लिए। तो ये देखें कितनी ग्रीनरी है और कितना साफ़ सुथरा, नीट एंड ग्रीन है। आपको कुछ भी कचरा यहाँ नज़र नहीं आएगा। और ये बहुत अच्छी तरह से सफाई का ख्याल रखते हैं। और हॉस्पिटल में तो होना भी चाहिए, क्योंकि मरीज़ जो बीमार लोग आते हैं वो गंदगी वगैरह देख के तो और परेशान हो जाएंगे। और यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो लोग जो भी बीमार आएंगे वो यहाँ आके बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि इतना देखें बर्ड्स की और चिड़िया वगैरह की इतनी अच्छी आवाज़ें आ रही हैं, इतनी रिलैक्स हो रहे हैं इस आवाज़ को सुन के। और इस तरह के एनवायरनमेंट को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें जिससे मिलना था हम लोगों ने उनसे मिल लिए हैं। और अब क्योंकि मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि रूम्स वगैरह में जाके देखना अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाना, तो इस वजह से मैंने वो दिखाया नहीं आप लोगों को। और अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर आई थी, तो भाई बच्चों को तो गुंडा टैक्स देना पड़ता है ना। तो अब मैं उन्हें लेके जा रही हूँ कैंटीन में। और मेन कैंटीन तो फर्स्ट फ्लोर पर है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है और काफ़ी रश भी होता है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी अच्छी तरह से आपको वो जो इनकी मेन कैंटीन है उसके बारे में बताऊंगी और उसका आपको विज़िट करवाऊंगी। मगर अभी तो मैं एक छोटी सी कैंटीन में जा रही हूँ, जो हर बिल्डिंग के साथ, उस एरिया की बिल्डिंग के साथ या जहाँ पे रूम्स वगैरह हैं उस साइड पर एक एक छोटी छोटी इन्होंने जो है ना कैंटीन दी हुई है, ताकि जिसको ज़रूरत हो जो चीज़ की तो वो ले सकता है। तो क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था तो हमने भी थोड़ी सी ऐसी चीज़ें ले ली हैं कि चलो भाई थोड़ा सा खा पी लें। तो फ्रेंड्स, हमने ले लिए थे सैंडविचेस और समोसे। और अब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ जूस वाली पे बहुत ज़्यादा रश था। तो फिर मैंने अपने बेटे को कहा कि भाई यहाँ से नहीं लेते, क्योंकि कोविड की वजह से इतने रश में घुसना अच्छा नहीं है। तो हमने सोचा चलो बाहर मैनुअल मशीनें लगी हुई हैं, वहीं से जाके हम जूस ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं बाहर, अब हम बाहर जा रहे हैं। और जो इसको ऑपरेट करने के लिए खड़े हुए थे, हमने उन्हें ही कहा कि भई हमें आप ये मैंगो जूस निकाल दें, तो वो हमें निकाल के दे रहे हैं। हाँ जी, तो ये देखें, ये मैंने मैंगो जूस स्लाइस उनको कहा था कि मुझे ये निकाल दें, तो उन्होंने वो मुझे निकाल के दिया है। और फाइनली ये मैंने दे दिया। और ये देखें मेरे हाथ में आ गया है और बहुत अच्छा ठंडा ठंडा सा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मास्क वगैरह की भी मशीन लगी हुई थी, ताकि अगर कोई मास्क लेकर आना भूल गया है तो वो यहाँ से मास्क भी ले सकता है। अब हम दोबारा से शटर में बैठे हैं और हम अपनी पार्किंग की तरफ जा रहे हैं,
और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर बुरी लगे तो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।